करने से पहले मतलब यूनिवर्स के बारे बताने से पहले आप ये बताएंगे कि जो भी अंतरिक्ष यानी इसमें जो भी हैं पिंड मौजूद हैं जैसे सूर्य चंद्र तारे सारी चीजें प्लैनेट आल्सो वी कैन कंसीडर एंड अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो खगोलिकी के अंतर किया जाता है, उसे खगोलिकीय विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है अभी? ओके अब बात आती है कि ये हो गया खगोलिकीय विज्ञान। अब ये खगोलिकीय विज्ञान का एक इतिहास, जो भी हमारी एस्ट्रोनॉमी है का एक इतिहास है, वो इतिहास बहुत 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 ज्यादा पुराना है। वो इतिहास हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो हमने स्टार्टअप किया जानना, वो शुरू होती है 140 AD से, जब पॉल मिश्र यूनान के जो देखो इसका अध्ययन करता वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कहलाता है, खगोलविद हिंदी में कहते हैं खगोलविद। और तो ये खगोलविद जो शुरू, पहले सुनो अभी तो आवाज क्लियर आ रही है ना प्लीज, बस अब मत लिखो, आप बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो खगोलविद, अब ये जो खगोलविद, तो पहले जो मानव था, बहुत पहले की बात करूं, पहले तो हमारे दिमाग में एक विश्व को लेकर एक बिंदु थी स्थित। हमारे पास कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ना कुछ था, ना कुछ था, हम विश्व कहते थे, कॉस्मोस कहते, क्या कहते थे पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को क्या कहते थे हम भाई? ये बता, मैं बहुत आनंद पढ़ा रहा हूं, समझिए। अभी हमने पहला स्टेप किया, पहला स्टेप में कि अक्षांश देशांतर सूर्य चंद्र तारे इसके अध्ययन एक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम खगोलिक एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जब दूसरा स्टेप हुई तो हमारे एक ब्रह्मांड हमारे यानी यूनिवर्स हमारे दिमाग में था, उस ब्रह्मांड को हम कहते थे कॉस्मस, COSMOS, कॉस्मस से जानते थे, ब्रह्मांड था शुरू में, एक ब्रह्मांड था जिसे हम क्या कहते थे कॉस्मस कहते थे, ब्रह्म स्टडी को कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड की स्टडी को हम क्या कहते हैं कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी। समझ नहीं है ब्रह्मांड के, प्लीज करते चलेगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। अध्ययन को कहते हैं मस्तिष्क में, ब्रेन में एक इमेज थी जिसे वो कहता था ब्रह्मांड। क्लियर है? और उस ब्रह्मांड के यानी कॉस्मस, COSMOS, और उस ब्रह्मांड के अध्ययन को कहता था कॉस्मोलॉजी। क्लियर हुआ? कॉस्मोलॉजी कहता था। चलिए ठीक है, अब बात आई, अब इसी एक बिंदु से नहीं, कॉस्मोलॉजी से, इसी एक, कोई ब्रेक नहीं हो रही, 1018 मैं सुन रहा हूं, मत लिखो बार बार, कॉस्मोलॉजी समझ में आया? तो कॉस्मोलॉजी जब होगी तब लिखना प्योरली। ये आवाज ब्रेक हो रही है, क्लास चलने दो चुपचाप से, अभी नहीं हो रही ब्रेक। और तुम्हारे मोबाइल देख लिया करो, लैपटॉप देख लिया करो, नेटवर्क देख लिया करो, ब्रह्मांड का अध्ययन। अब इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री शुरू होता है यानी इतिहास ब्रह्मांड के अध्ययन का शुरू होता है 140 AD से, ईस्वी से, 140 ईस्वी से। ये थे हमारे यूनान और मिश्र के भूगोलविद, उसे बातें जो करते हैं क्लाडियस, क्लाडियस टॉलमी, टॉलमी कौन थे हमारे क्लाडियस टॉलमी एक। ये कहां से संबंधित थे बेटा? यूनान एवं मिश्र से संबंधित, ये यूनान और मिश्र से
संबंधित थे। क्लियर हुआ? कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी 104, है ना, क्लॉडियस टॉलमी 140। अब ये जो इन्होंने क्या बोला, इनकी एक किताब थी। अब यूनानी सबसे पहले आगे रहे हैं, बहुत विद्वान रहे हैं यूनानी और जो मिश्र के लोग रहे हैं। बाहर बैठ जाओ वहां पे। यूनानी और जो मिश्र के जो लोग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेसिकली मतलब विकार रहे हैं, बहुत ही अतीब रहे हैं मतलब करने में। तो इन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने बात की कि जो भी पृथ्वी, हमें पृथ्वी दिखाई देती थी बहुत बड़ी, भाई पृथ्वी कितनी बड़ी दिखाई देती है, इन्हें नहीं मालूम था ना। 140 एडी में क्या टेलीस्कोप था? बिल्कुल नहीं था। 140 में दूरबीन थी ना, कुछ था जिससे हम ब्रह्मांड यानी पृथ्वी के बाहर भी जान सकते। तो इन्होंने कहा कि जैसे देखो ये पृथ्वी यानी अर्थ सेंटर में है और सन और स्टार उसका चक्कर लगा रहे हैं, यानी वर्ल्ड के यानी विश्व के सेंटर में क्या है? अर्थ है। और कौन उसका चक्कर लगा रहा है? सन और चंद्र यानी पृथ्वी यानी विश्व। पहले विश्व ये जानते, उसके बारे में ये नहीं मालूम था आकाश गंगा है फंगा है कुछ नहीं मालूम था। क्या जानते थे? एक विश्व है, एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो सेंटर में क्या है? हमारी अर्थ है। और जो सन है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है। तो सन और स्टार्स किसके चक्कर लगा रहे हैं? रोटेट कर, रोटेशन में है अर्थ के। नोट कर लीजिए, सन और अर्थ रोटेशन लगा रहे हैं। समझ में आया? आप क्या नोट करेंगे? देखिए इतिहास में नंबर वन पे हम रखेंगे, आप ऐसे लिखिए, यूनान एवं मिश्र के, यूनान एवं मिश्र के खगोलविद एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ मिश्र, यूनान एवं मिश्र के, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड मैं कर देता हूं आपको, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान रखिएगा जो समझना है। यूनान एवं मिश्र के खगोलविद क्लॉडियस टॉलमी, जो ऑनलाइन इंग्लिश में है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ओके मैं उसे रिपीट कर दूंगा। क्लॉडियस टॉलमी, यूनान और मिश्र के कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी। एक क्वेश्चन आया था 140 एडी की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं मैं? 140। इन्होंने अपनी किताब AL, इनकी किताब थी, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, Almagest, Almagest, इनकी किताब थी Almagest, Almagest, ये क्वेश्चन आया हुआ है। Almagest में बताया, किसकी थी Almagest? क्लॉडियस टॉलमी की। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि विश्व यानी पूरी दुनिया वर्ल्ड के सेंटर में अर्थ है, यानी विश्व के केंद्र में पृथ्वी है, वर्ल्ड के सेंटर में क्या अर्थ है, सन और स्टार क्या कर रहे हैं? उसके चक्कर लगा रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये किताब आपको याद करने की जरूरत है, कोई डाउट तो नहीं है। Almagest में क्या बताया उन्होंने कि सेंटर में अर्थ है और उसके साथ कुछ चक्कर लगा रहे हैं। फिर समय बीता, सेकंड इन्होंने बता दिया, सेकंड आए हमारे, अगर मैं बात करूं तो कॉपरनिक्स, ठीक है ना। अब ये कॉपरनिक्स जब आए, कॉपरनिक्स 1530 की बात बता रहा हूं मैं, 1530 की बात, ये 140 के थे, 1530 की बात बता रहा हूं। 1530 में जब कॉपरनिक्स आए तो उन्होंने जो किसकी थी, क्लॉडियस टॉलमी, ये पोलैंड के रहने वाले थे। आपको देखो एकदम नोट्स में बनाते चलना है क्योंकि हम इसे वन लाइन या टेन में देंगे। ये पोलैंड के रहने वाले थे, कॉपरनिक्स पोलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। जब ये आए मतलब अपने पोलैंड के, 1530 में इन्होंने बोला, इनकी एक किताब थी रिवॉल्यूशन द रिवॉल्यूशन बस ऑर्बियम लिख लीजिएगा, इनकी कृति थी द रिवॉल्यूशन बस ऑर्बियम
ऑर्बियम, दी रिवॉल्यूशन बस ऑर्बियम आपका नाम था, ठीक है? क्या लिखा आपने? दी रिवॉल्यूशन बस ऑर्बियम। मैं इसकी किताब का नाम, इनकी किताब का नाम हूं ऑनलाइन स्टूडेंट, दी रिव्यू लिशिन बस ऑर्बियम। ठीक है, इन किताब थी द द रिवॉल्यूशंस बस ऑर्बियम। अब इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, इन्होंने बिल्कुल उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब क्लाडियस टॉलमी के अपोजिट बताया कि विश्व में पृथ्वी, पृथ्वी मध्य में नहीं है बल्कि सूर्य मध्य में है, सन इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, और जो अर्थ और स्टार हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, कॉपरनिक्स ने बताया, कॉपरनिक्स ने बताया कि पृथ्वी मध्य में नहीं होकर ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी मध्य में नहीं है जबकि कौन है मध्य में? सूर्य, मिडिल ऑफ, सेंटर में कौन है? सूर्य केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है कि पृथ्वी। बात खत्म हो गया। सेंटर में यूनिवर्स के सन है, ना कि पृथ्वी। मेरी बात समझ में आया? बस खत्म, ये दूसरी चीज खत्म। पहले कौन से थे? ऑनलाइन बताओ, ऑन टाइम बताओ, पहले कौन से थे? क्लाडियस टॉलमी। क्लाइड टॉलमी ने कब बताया था? 140 AD में बताया था। क्या बताया था? पृथ्वी केंद्र से और सूर्य। समय बीता, 1530 में आए, 1530 में आते आते क्या बोला इन्होंने? फिर कॉपरनिक्स ने क्या बोला कि सूर्य मध्य में है ना कि पृथ्वी, ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है ना कि पृथ्वी। आपका क्या था? अल्मेक्स्ट। इसकी क्या है पृथ्वी, इसका नाम द रिवोल्यूशनरी बर ऑर्बियम, बस ऑर्बियम, बस ऑर्बियम याद रख लेगा, द रिवोल्यूशनरी बस ऑर्बियम। क्लियर हुआ? अब समय फिर से बीता, समय बीता 1805, ब्रिटेन के या हर्शल, विलियम हर्शल, कौन आए? विलियम हर्शेल, 1805 में। इनके बारे में कोई भी आपसे चर्चा करना चाहेगा क्या? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। इन दोनों ने सिर्फ हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड, यानी विश्व पृथ्वी की बात की है, कोई भी उससे परे नहीं गया। परे मतलब उसके अलावा, ही डिडेंट मतलब उसने कुछ भी चीज एक्सप्लेन डिस्क्राइब नहीं की। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप का प्रयोग किया। कौन थे वो? विलियम हर्शल। जब वो टेलीस्कोप लेके बैठे तो उन्हें पृथ्वी और सूर्य के अलावा भी बहुत कुछ दिखाई दिया। बट टेलीस्कोप बड़े का जब इंस्ट्रूमेंट आएगा तो कुछ और भी हम पृथ्वी के अलावा भी देखने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, तो हमने पृथ्वी के अलावा भी देखने में हम सक्सेसफुल रहे उस समय। तो उन्होंने देखा यार इतने सारे तो और भी बड़े बड़े तारे हैं, ग्रह हैं, ये हैं, हम बस यही रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं हम? सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के, सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने इसका क्या जिक्र किया? उन्होंने टेलीस्कोप का प्रयोग किया। तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी और सूर्य के अलावा भी
आकाश गंगा के बारे में बात की। उन्होंने बोला अंतरिक्ष में हमारा जो सौर मंडल है, जो हम है, वो हम एक कोने में स्थित है। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, जिसने पहले पृथ्वी और सूर्य के अलावा बात की। दूसरा, यूरेनस ग्रह, यूरेनस ग्रह किसने खोजा, विलियम हर्शल ने ही खोजा टेलीस्कोप के माध्यम से। तो दो चीज निकल के आई, क्या निकल के आई, एक तो पृथ्वी और सूरज से कुछ ऊपर निकल के आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल एक कोने में स्थित है, ये बात कहने वाला व्यक्ति हुआ। भाई गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक कोने में लोकेटेड है, ये कहने वाला पहला व्यक्ति आया। दूसरा यूरेनस, आप जानते हो ना यूरेनस, यूरेनस के बारे में सबसे पहले किसने खोजा, विलियम हर्शेल ने खोजा। आपको ये दो चीजें याद करें, नोट करिए फटाफट। एक कहां से थे बेटा, ब्रिटेन के थे, ठीक है, ब्रिटेन के, लिख लीजिएगा 1805 में ब्रिटेन के खगोल विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से, विलियम हर्शेल, हाँ बोलो, एक ही नाम है विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करने के बाद बताया क्या बताया था कि हम तो अपनी आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश मात्र हैं, बहुत ही स्मॉल पार्ट है हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी पृथ्वी है, हमारी आकाश गंगा का एक छोटा सा, लिख लीजिएगा, उन्होंने बताया कि हमारी आकाश गंगा का, हमारी आकाश गंगा का हमारा सौर मंडल एक छोटा सा अंश मात्र है, हमारा सोलर सिस्टम हमारी आकाश गंगा का क्या है, एक अंश मात्र है, छोटे से हिस्से में है, अंश मात्र है, इसके अलावा भी बहुत विशाल अंतरिक्ष है, इसके अलावा भी बहुत विशाल अंतरिक्ष मौजूद है। ये इतिहास लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत विशाल हमारा अंतरिक्ष यानी स्पेस मौजूद है। क्लियर हुआ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ यूरेनस, किसने फाउंड किया, ढूंढा, डिस्कवर, विलियम हर्शल, लिख लीजिएगा, इन्हीं ने ही यूरेनस की खोज की थ्रू टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विलियम हर्शल ने ही टेलीस्कोप के सहायता से किसकी खोज की, यूरेनस की। जरूर कहां से आ गया तू, रहना तो कहते तो हिंदी में आया कर, तू इंग्लिश में ही रहा कर, इंग्लिश की है ना, मरकरी और वीनस आते हैं, समझ में आ रहा, अरुण वरुण सुना है ना, चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, यूरेनस की खोज की किसने, विलियम हर्शेल ने, ओके। अब ये पार्ट आगे के चलते हैं, देखिए सबसे पहले आए, इतिहास पढ़ने में मतलब जानना पड़ता है, सबसे पहले ना टेलीस्कोप था ना कुछ था, क्लाडियस टेलमी आए, आल्मेगेस्ट में उन्होंने बताया कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। समय बीता, 1530 में कौन आए, कॉपरनिक्स आए, कॉपरनिक्स ने, जॉन कॉपरनिक्स ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, उनकी किताब थी रिवोल्यूशनर बस और बीएम, उन्होंने बताया, ये किताब याद करने की जरूरत है, बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सूर्य मध्य में है ब्रह्मांड के और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, ना कि पृथ्वी, इतना याद करना, सूर्य मध्य में सेंटर में सन है उसके और ही है, बस एक लाइन उन्होंने बताई एक किताब में। उसके बाद समय बीता, फिर ब्रिटिश वैज्ञानिक कैसे पीछे रह जाते, तो उसमें आए विलियम हर्शल, विलियम हर्शल ने बोला कि अरे पापियों, तुम दोनों सिर्फ सूर्य चंद्र करते फिर रहे हो, उसके अलावा भी मैंने टेलीस्कोप से देखा है, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी हमारी आकाश गंगा है, हमारा जो सौर मंडल, तुम कहते ना पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, कुछ नहीं है, तो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो एक छोटा सा बिंदु है हमारी गैलेक्सी का, और बिल्कुल कौन में जरा सी जगह में स्थित है, लोकेटेड है। समझ में आया, किसने बोला ये, विलियम हर्शल ने, कब बोला, 1805, ब्रिटेन से संबंधित थे, और यूरेनस की खोज किसने की, विलियम हर्शल ने ही यूरेनस की खोज की। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा,
क्लियर है या नहीं है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो यस टाइप किया करो, यस टाइप करो। अब आता है 1805 के बाद हमारे, फिर आए कैपलर, जॉन कैपलर, कैपलर। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं हम, और निक किसे कहते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं हम, कॉपरनिक। आधुनिक खगोलविद का जन्मदाता कैसे, जन्मदाता फादर कैसे, पिता कैसे, कॉपर निक्स को कहा जाता है आधुनिक। ये नोट कर लेना, आधुनिक खगोलिकी का जनक, वेरी गुड, आधुनिक खगोलिकी, प्लीज लिख लीजिएगा, आधुनिक खगोलिकी का जनक निक्स को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कॉपर निक्स को कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये हमारे क्लैक हो गए। अब आए हमारे कैपलर। अब जब कैपलर आए, समय बीता, कैपलर उपस्थित हुए, कैपलर आए ने ये हर थियो, देखो अगर सिविल सर्विस निकालना है तो ज्यादा ज्यादा डेटा दिमाग में डालना होगा, लपेटा लपेटी करते हम टेस्ट में जीरो दे देते हैं। ब्रह्मांड अच्छा है, बुरा है, चौड़ा है, बड़ा भी है, और इतना है कि कोई इंसान खो जाए। और ये लिख, अगर तुम सोचो कि मैं कलेक्टर बन के, तो जिला गायब कर दोगे तुम, और वो तुम्हें लेंगे नहीं। तो उसके लिए तुम्हें चाहिए मोटा थोड़ा नहीं बताना है, तुम्हें एक सीक्वेंस बताना है जो हुए हैं, और उसके करने में तुम्हारा दिमाग चक्कर खाता है। ग्लैडियस टॉलमी हाय दैया, ये पढ़ेंगे का, पढ़ना तो पड़ेगा, यू हैव टू रीड एनी वाई इफ यू रियली वुड लाइक टू क्रैक। चलो कैपलर। अब कैपलर क्या है, अब देखो मैंने जो हमारा ये था अपना प्लूटो था, उसे हमने अब नहीं मान, प्लूटोन्स प्लानिट में ले गए। प्लूटोन्स प्लानिट हमारे तीन है अभी वर्तमान में, जो उसके बारे में हमने काफी अच्छे जानते हैं। प्लूटोन्स प्लानिट अलग, देखो प्लानिट अलग होते, प्लानिट अलग होते, हमारे 8 ग्रह को क्लासिकल प्लानिट कहते हैं। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा तो तुम सबसे पीएचडी कर लो, खत्म, दिवाली तक खत्म कर देंगे, मैं करवा दूंगा। तो प्लूटोन्स प्लानिट अलग होते, जो प्लूटोन श्रेणी के हैं, मतलब किसी के दूसरे की कक्षा में आ रहे हैं, होता है ना भैया। ये देखो, ये देखो जैसे ग्रह है, ये है, अब ये आए, ये आए, ये सबके सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, ये सन है, ये है ना, कोई आके इसकी कक्षा से गया, ये आ गया, तो उसे हम कहते हैं प्लूटोन्स प्लानिट, जो मतलब किसी दूसरी कक्षा में आके काट देते हैं उसे। तो बात आती है कि हमारे जो 8 प्लानिट क्लासिकल प्लानिट कहते हैं, और जो प्लूटो और जिससे हमारा कोई प्रभाव, वो दूसरी कक्षा में आते हैं, उन्हें हम प्लूटोन्स प्लानिट कहते हैं, ने धूमकेतु है ना, ने एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड सोने आए आती हैं, जो उन्हें हम सोलर सिस्टम स्मॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम स्मॉल बॉडीज कहते हैं। तो जब भी आता है हमारे, अगर सौर मंडल के बारे में बात की जाती है, तो सौर मंडल में के बारे में आपको लिखना जरूरी है। अब ये बात आती है तो कैपलर इस बात का क्या ताल्लुक, जो मैं आपको समझा रहा हूं और जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, संबंध ये है कि कैपलर ने ही ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सबसे पहले बात करने की कोशिश की थी। वो कैपलर ही थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रहों की जो परिक्रमा होती है, रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, और जो एक्सेस होती है, धुरी होती है, चलने की होती है, उसकी बात करने वाला कौन सा खगोलविद था, एस्ट्रोनॉमिस्ट था, कैपलर था। नोट कर लीजिए, कैपलर ने ही, डेट लिख रखे तो नहीं है, सबके सब 1800 के अंदर, कितने आधा करोगे, कैपलर 16वीं 17वीं सेंचुरी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, लेकिन 16वीं शताब्दी का ये बात है, लेकिन जरूरत नहीं। कैपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की थी, ग्रहों की नियमों की, ग्रहों की नियमों की, कक्षाओं के नियमों की खोज की थी, ठीक है, खोज की थी, क्लियर है आपको, बस इतना लिख लो, ये खत्म हो गए। अब आपको तो तुम्हारा ये खत्म जो चल रहा, देखो हमने क्या पढ़ा, क्लाडियस टॉलमी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉपरनिक्स पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, विलियम हर्शल पढ़ा, चौथा क्या पढ़ा हमने,
कैपलर, ठीक है ना, जो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आए थे। बस अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जैसे ये हमारी सर्पिकल आकाशगंगा है, हम इसके मध्य भाग में रहते हैं, हम एक गैलेक्सी है, उसके बीच की हमारी गैलेक्सी की तीन भुजाएं, हमारी चार भुजा कभी मांग लेते लेकिन वो एक ही भुजा के अंदर आता है, सभी मानते हैं सब हम, लेकिन हमारे गैलेक्सी की तीन भुजाएं, आवर गैलेक्सी हैज थ्री आर्म्स, ठीक है, जिसके अंदर हम सेकंड जो आर्म्स है, मिडिल आर्म्स है, एक तो आउटर हो गई, वाई हो गई, एक आंतरिक हो गई, एक मध्य हो गई भुजा, हम किस में लोकेटेड है, बीच वाली में, बिल्कुल मध्य वाली भुजा में हम लोकेटेड है, हमारा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारा मध्य में स्थित है। मेरी बात समझ में आया, जो तेज से घूम रही है, ओके। अब मेरे पास समझे, मैं काफी पदार्थ पढ़ाऊंगा, क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, न्यूट्रिनो होता क्या है, कैसे होते हैं, देखो इस है ना, कोई डाउट तो नहीं है, नए बच्चे कोई डाउट है, तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं है, चल ठीक, कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आ रहा है, भाई रटना पड़ेगा ना, तारीख तो रटोगे ना, नहीं रटोगे तो कैसे, देखो 140 1805 1530 1805 और 16वीं शताब्दी तीन हो गई, समझ में आया नहीं है, ओके बट ऐसे नहीं बैठो, फिर आ रहा है, ऑन टाइम याद करने की हैबिट बनाओ, स्पीड बढ़ाओ, तुम सबसे सब कछुए बने बैठे हो, कछुए से तुम नहीं निकाल सकते तुम्हारा, और भगवान की दया होगी तुक्के लग गए गोले, वर तो आप ऑन टाइम उसका जवाब दे सको, आ जाओ घूम फिर के, लेट नहीं आना, 9 बजे हाजिर हो जाना है, मिटाओ इसे रमेश, क्लियर है। अब बात आती है एक अलग पहलू, अब हमारे आते हैं एडमिन पी हब्बल 1925, नोट करिएगा फटाफट मिटाओ, एडविन पी हब्बल 1925, एडविन पी हब्बल 1925, ये नोट्स में अवेलेबल है, मेन मेन पॉइंट्स कॉपी लेके लिखना होता है, एक एक लाइन लिखनी होती है बेटे, चलो ठीक है, अब आए, अब सुनो मेरी बात, जैसे मैंने बोला कि हमारी जो आकाशगंगा है, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है वो कहां पर स्थित है, मध्य भुजा में स्थित, और ये भुजाएं भी यानी आर्म्स भी, मिडिल आर्म्स भी घूम रही हैं, ये भी घूम रही, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिडिल आर्म्स में है, वो भी खुद घूम रही है, ठीक है। इसमें एडविन पी हब्बल 1925 बाय इतिहास, एडविन जो पी हब्बल है, इन्होंने 1925 में बताया कि जब जॉर्ज लेवेंटर ने बताया था 1894-1896, जॉर्ज लेवेंटर 1894, हम आएंगे उस पे, उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षेपीकरण, बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने, हम उस पे चर्चा करेंगे, दो और याद करने हैं, और तुम्हारा एक ब्रह्मांड पे इंट्रोडक्शन कितना अच्छा तैयार हो गया तुम्हारा। एडविन पी हब्बल ने बोला कि देखो क्या होता है, हमारी गैलेक्सी का नाम पे मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे, इसे मैरावत भी कहते हैं, दूधिया आकाशगंगा भी कहते हैं, हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसे कई नामों से जाना जाता है, मिल्की वे भी कहते हैं, दूधिया दूधी मेखिला भी कहते हैं, है ना, मैरावत भी कहते हैं, समझ में आया, हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी, समझ में आया,
ऐसी कई मिल कई आकाश होंगे, यानी मंदाकिनी हमारा नाम है। पहला स्टेप, ऐसी मंदाकिनी मिलकर आकाश गंगा पुंज बनाती है, सुपर कल्चर गैलेक्सी बनाती है। आकाश गंगा पुंज बनाती है, समझ रहा है? नहीं आ रहा? आकाश गंगा पुंज बनाती है, इसे हम कहते हैं सुपर क्लस्टर गैलेक्सी। कॉल सुपर क्लस्टर गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है? आकाश गंगा पुंज कहते हैं, ठीक है? और यही आकाश गंगा जो जो आकाश गंगा पुंज होते हैं, यही मिलके ब्रह्मांड बनाते हैं, और यही जो आकाश पुंज होते हैं वो ही मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यानी सुपर क्लस्टर गैलेक्सी ही हमारे यूनिवर्स मिलकर ही यूनिवर्स माना जाता है, पूरे को क्या माना जाता है? यूनिवर्स माना जाता है, निर्माण करते हैं। आपको ये चीज याद, आकाश गंगा से क्या बनेगा? आकाश गंगा पुंज बनेगा, सुपर क्लस्टर गैलेक्सी बनेगी। और आकाश गंगा पुंज जब बहुत सारे होते हैं, उनके मिलके क्या बनेगा? हमारा ब्रह्मांड बनेगा। समझ में आया? अब जब से विस्फोट हुआ है, हम पढ़ाएंगे जॉन लेमेंटर की थ्योरी पढ़ाएंगे, उससे पहले जब से बिग बैंग थ्योरी जानते हैं, ये जो विस्फोट हुआ है, फटा है, तब से ये जो ब्रह्मांड था ये दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ये टुकड़े 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 विस्फोट हो गया ना, फिर ये दूर होता जा रहा है, ये दूर होता जा रहा है, ये दूर होता जा रहा है, ठीक है? एडविन पी हपल ने कहा, जब ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, जितनी भी आकाश गंगाएं, भाई वो आकाश गंगा पुंज है, आकाश गंगा पुंज सारी की सारी जो आकाश गंगा है, जो वो एक दूसरे से फार अवे, दे आर गोइंग फार अवे, दूर जा रही हैं। दूर जाने के साथ साथ इनकी जो गति है वो क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझ में आ? और इनके बीच में एक जिसे हम शीतलंतन पदार्थ कहते हैं, स्थान कहते हैं, यानी बहुत ही ठंड, जो हमें काले धब्बे के रूप देख दिखाई देता, लिखने की जरूरत नहीं। आप जो एडविन पी हबल ने बोला, पोर्ट के साथ साथ यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में होती है, वो काले धब्बे के रूप में हमें दिखाई देती है। तो जो देखो, सिचुएशन में भी हमारी मौत पक्की है, जुड़े हुए, हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी जुड़ा हुआ है, हमारा जो गैलेक्सी की ग्रेविटी और ना हमारा सूर्य रहेगा, ना हमारा चंद्र रहेगा, ना कुछ रहेगा, और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? गैलेक्सी क्या आ रही है? तेजी से घूम रही है। अच्छा, अब मैं एडविन, इसमें कौन सी नई बात है? आकाश गंगा जो आकाश पुंज से ब्रह्मांड बना है, वो बेसिकली दूर होती जा रही है। इसमें खास ये है कि सबसे पहले का जो व्यक्ति थे, कौन थे भाई? एस्ट्रोनोमर्स थे। वो कहते थे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो परिवर्तनशील नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इनकी ये विचारधारा, कौन सी विचारधारा? एडविन पी हबल की विचारधारा ने उस विचारधारा को खत्म कर दिया। वो विचारधारा कहती थी कि ये जो ब्रह्मांड है वो अपरिवर्तनशील है, यानी नॉन चेंजेस है, उसमें कोई भी अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है,
हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और एक दूसरे से वो दूर जाते जा रहे हैं। इसका पता कैसे लगा है? डॉपलर स्पेक्ट्रम में क्या होता है बताना चाहूंगा। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कोई तारा हमारे पास आता है तो उसमें ब्लू लाइट दिखाई देती है, दूर जाता है तो रेड लाइट दिखाई देती है। वर्तमान में स्पेक्ट्रम पे मैक्सिमम जो लाइट दिखाई देती है वो रेड दिखाई देती है, जो कि शो करती है कि जो हमारी आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जाती जा रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा लिख लीजिए। एडविन पी हब्बल के अनुसार नो बॉय अतरी आवाज प्रॉब्लम हो ही गई है। ओके ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, प्लीज नोट कर लीजिएगा कि 19 कब दिया था उन्होंने, 1925, 1925 में, 1925 में बताया कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। समझ में आ रहा है? दूर जाती जा रही हैं, और दूर जाने के साथ क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। हाँ, विस्फोट के बाद वो दूर जा रही हैं, ठीक है, और उनकी आकाशगंगा गति भी बहुत तीव्र होती जा रही है। उनकी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? बस काफी। अब फिर एक और आए हमारे स्टीफन हॉकिंस, चेयर पे चलते थे, देखा था, देखा होगा स्टीफन हॉकिंस, आवाज आ रही है ना? ओके, बात इस ये कहां के थे? बेल्जियम। किसका बेटा? बिग बैंग थ्योरी। हाँ, वो तो आता सबका बिग बैंग थ्योरी है, जॉन लेमेंटर की थ्योरी चली आ रही है, क्योंकि देखो बिग बैंग थ्योरी मत कॉस्मो एक्सप्लोजन, बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है, ब्रह्मांड में महाविस्फोट, तो कॉस्मो एक्सप्लोजन हुआ। कॉस्मो एक्सप्लोजन के चलते जो भी गैलेक्सीज है यानी आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आता है बेल्जियम, ठीक है। इनका क्वेश्चन आया था कि जो बेल्जियम के हमारे स्टीफन हॉकिंग्स हॉकिंग्स थे, ठीक है ना, जो बेल्जियम के हमारे स्टीफन हॉकिंग्स थे, उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड शुरू में यानी 15 अरब साल पहले, 15 बिलियन ईयर अर्लियर, एक मटर के दाने के समान था। मतलब छोटा सा, एक मटर के दाने की शब्द की जो व्याख्यान किया वो किसने की है? स्टीफन हॉकिंस ने की है, ठीक है। आज से 15 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड था वो एक मटर के दाने के जैसा था, दाने के समान था। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ओके, जब वो सेंट्रलाइज हो रहा था, मतलब केंद्रीकरण के संग्रहण हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, तो उसमें विस्फोट हो गया, ठीक है ना, और जब विस्फोट हुआ तो पदार्थ अगल बगल बगल फैल गया। तो आपको मटर का दाना याद, कोई किताब याद रखनी है, किताब का नाम क्या था बताया था? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। इनकी किताब में द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में इन्होंने ये बात की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास,
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब इन्होंने मटर के दाने की बात की तो उन्होंने उसको बताया प्राथमिक परमाणु। क्या बताया? प्राइमल, प्राइमल। इन्होंने प्राथमिक परमाणु बताया था ब्रह्मांड को, पी आर आई एम ई वी एल, प्राइमल एटम। क्या बताया था इन्होंने? प्राथमिक परमाणु। पहले प्राथमिक परमाणु था, उसके बाद वो फटा और उसमें विस्फोट हुआ। अभी ये समझ में आ गया नहीं आ गया? टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, 5 मिनट। ये क्लियर हुआ? प्राथमिक परमाणु किसने बोला? हॉकिंस साहब ने बताया। मटर का दाना किसने बोला? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मटर का दाना किसने बोला? हॉकिंस ने बोला। प्राथमिक परमाणु हॉकिंस ने प्राइमल एटम बताया। दूसरा, पृथ्वी को मध्य किसने बताया? सूर्य चक्कर लगा रहा है, टॉलमी ने, क्लाडियो टॉलमी ने बताया। और सूर्य को मध्य किसने बताया विश्व के? कॉपरनिकस ने बताया। यूरेनस की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की, है ना। आकाश गंगाएं, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, दूर एक दूसरे दूर जा रहा है, किसने बताया? एडविन पी हब्बल में 1925 में बताया। मटर का दाना ऑक्सीजन की, उनकी किताब का नाम क्या था? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है ना। और प्राइमेबल एटम भी इन्होंने ही डिफाइन किया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब आता है इसके बाद हमारे जॉर्ज लेमेंटर। प्लीज जॉर्ज लेमेंटर लिख लीजिएगा, जॉर्ज लेमेंटर। ओके ओके, ये क्लियर है? ओके, स्टीफन हॉकिंस वैसे अमेरिका से सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन है, अमेरिकन थे, हाँ, मतलब ब्रिटिश, मतलब अमेरिकन ही थे, ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि जॉर्ज लेमेंटर, देखना स्टीफन हॉकिंस का अमेरिकन थे, ये ब्रिटिश नहीं थे। ब्रिटिश मतलब बेल्जियम, मतलब हो गए हमारे ये अपने जॉर्ज लेमेंटर, ये देख लो अमेरिकन थे, ये कौन थे, ये क्या लोकेट, ये देख लो बस, हमारा कुछ भी चीज उसमें नहीं। अब आते हैं हमारे जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने 1894 और 96 में, ये भी बेल्जियम, बेल्जियम की थे, ब्रिटिश से थे, बेल्जियम, जरा ये मतलब हमारे स्टीफन हॉकिंस अमेरिकन थे, कहां के थे? ब्रिटिश ही आ रहा है ना जॉर्ज स्टीफन, ब्रिटिश ही आ रहा है ना, ठीक है फिर, ठीक है, तो वही दोनों के दोनों पास ही है। ब्रिटिश बताया था ना, ब्रिटिश कहां पर है भाई? ऊपर ब्रिटेन के द्वीप हो गए, फिर तो गए बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये नीचे आ गए, ठीक है। अब आइए जॉर्ज लेमेंटर, इन्होंने ही कॉस्मोस एक्सप्लोजन बताया है, ब्रह्मांड का विस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट के बारे में कॉस्मो एक्सप्लोजन बताया है, COSMOS एक्सप्लोजन, महाविस्फोट लिख लो, ब्रह्मास्फोट लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो, पर लिख लो, पर लिख लो, जॉर्ज लेमेंटर ने 1894-96 में कॉस्मोस एक्सप्लोजन के बारे में बताया। क्या बताया? ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में आया? और इनकी इस बात को वैगनर साहब ने 1967 में और सपोर्ट किया, इसकी इनकी बात को वैगनर साहब ने 1967 में, वैगनर साहब ने 1967 में सपोर्ट भी किया था, रॉबर्ट वैगनर ने सपोर्ट भी किया था। समझ में आ रहा है? रॉबर्ट वैगनर, वैगनर ने सपोर्ट किया था, कब किया था? 1967 में, ठीक है। ये बेल्जियम के निवासी थे, साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली बात है ना, कॉस्मो एक्सप्लोजन इनको ने बताया, जॉर्ज लेमेंटर, बिग बैंग थ्योरी है ना, मतलब बिग बैंग थ्योरी, हु सजेस्टेड बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेंटर, बैंग
थ्योरी का मतलब ही होता है कॉस्मो एक्सप्लोजन, इसका मतलब ही होता है ब्रह्मांड विस्फोट। हाँ, 1894-96 में इन्होंने ये थ्योरी प्रतिपादित की थी, 1894-96 में। क्या लिखा है ये 1967, ये लिखा है। दोनों लिखता हूं, मुझे मालूम है तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज बहुत धीरे पहुंचती है, ब्रह्मांड जैसे कान नहीं है जो फटे तो पहुंच गए, बहुत धीरे धीरे। तुम ध्वनि से 10 गुना पीछे हो, तुमने नियम परिवर्तित कर रखे, मुझे अच्छे से मालूम है जो बोलूंगा। ध्वनि गति कितनी होती है सिंपल वायु में, होती नहीं होती, यहां पे कितनी होती है 3 मीटर प्रति सेकंड। मैंने बोल दी फिर गया, आ गई मैं। सर क्या बताया? ये बताया, मैं लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हारी विजुलाइजेशन पावर तो अच्छी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल रही है, रोशनी पड़ रही है, आंखों में जा रही है, उससे मैं जीत पाता हूं, आप लोगों से उसी से पार पाता हूं, वरना मैं बोलूं वो तो समझ जाओ सुन लो ना संभव हो ही नहीं सकता। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो तुमसे थैंक यू प्रकाश लाइट होता ना, 1 साल का कोर्स 6 साल में खत्म होता। 7 कौन से? रॉबर्ट वैगनर के द्वारा एक कॉस्मो एक्सप्लोजन किया हुआ, ठीक है ना। अब सुनो, उन्होंने ये बताया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बताने के लिए मुझे इसको फिर से मिटाना होगा। सो मत, बाद में सोना, इधर बिटा दे आके बेटा। स्टीफन हॉकिंस, या बिटा दो जल्दी से। अच्छा सुनो, तो क्या हुआ ये देखो, ब्रह्मांड जैसे ही बताया मैंने, अपन ने उसी को आधार माना था, इस बच्चे ने बोला था ये फटा, दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, तो भाई ये फटा क्यों, विस्फोट कैसे हुआ? और स्टीफन हॉकिंस तो बहुत ही एडवांस थे भाई, अभी कहते उन्होंने मटर का दाना बताया, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, ये है हमारा, ऐसा था वर्ल्ड पूरा, मतलब विश्व, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस कुछ ऐसा था, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, प्रेशराइज होके नीचे संकीर्णन हुआ, नीचे की तरफ अंदर की तरफ कौन हुआ, तो जैसे ही हुआ एकाएक इसमें संकेंद्रीकरण के कारण, मतलब इसमें हो गया एक्सप्लोजन। तब एक्सप्लोजन हुआ, मेरी बात समझना स्वाति, मैं मार चुकी, मैं इसको अगली क्लास में समझाना पाऊंगा। हुआ तो ये फटा, जैसे भी बताया ना पी हब्बल ने, दूर गया, इससे निकला क्वार्क, इससे निकला न्यूट्रॉन, इससे निकला प्रोटोन, इससे निकला न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जानते हो क्या होता है? एनीवन, न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक ऐसा पदार्थ है जो भार ही ने, जिसका भार का इसका द्रव्यमान नहीं होता ही नहीं है, द्रव्यमान रहित तो होता है, मास ही नहीं होता इसका, ये 0.00005% भार रखता है, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ये भी अस्तित्व में मौजूद है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मोसोन और हेक्सोन हो जो यहाँ पे क्वार्क होते हैं, क्वार्क क्या आपके पदार्थ होते हैं, एक ऐसे ब्लैक मैटर्स होते हैं जो फैले हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वार्क। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो फैले हुए हैं। अब ये फटा, जब एक्सप्लोजन हुआ, तो 1 सेकंड के 10 में लाख सेकंड में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल, यानी कण और प्रतिकण मौजूद हो गए थे। 1 सेकंड में थर्मल बैलेंस, यानी जो ये फट गया, पूरा पदार्थ जल रहा के गोला बन चुका था जब ब्रह्मांड फटा। समझ में आ रहा है? और पूरे ब्रह्मांड का तापमान एक समान हो चुका, यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें सेकंड में हमारे पार्टिकल्स आ गए, 1 सेकंड में पदार्थ बन गया ब्रह्मांड। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर आप लिखोगे विश्व भूगोल में ब्रह्मांड बना कैसे, कॉस्मोलॉजी, ग्रह तो फॉर्मेट तभी बनेगा ना हमारा, तो उसके अंतर्गत आएंगे हम लेके हुए। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? तो ये हम लेटर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो ये इसको हम समझाएंगे, 10 पे पावर 8 केल्विन हमारा टेम्परेचर गिर गया,
10 सेकंड के अंदर तो हमारे पदार्थ बन गए, सेटल हो गए थे फटने के बाद। हम बड़े बड़े तारे सितारे जो भी मौजूद उनके बारे में, फिर हम अपने ग्रह पे आएंगे जो स्टार्टअप करेंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा सब भूल जो पढ़ाने वाले हैं, सब भूल जाओ, जो पढ़ाया वो बता दो एक बार। देखो ये नया बच्चा, ये बता नाम क्या है तुम्हारा? हाँ रोहित, वेरी गुड, अच्छा नाम है रोहित। रोहित ये बताओ कि आज जो पढ़ाया वो कुछ समझ में आया? पहले कौन आए थे कुछ भी बता दो, चलो कोई भी, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे ना जिन्होंने बताया था, अध्ययन किया था, खगोलविद थे, उनके नाम बता दो मुझे, किन्हीं के भी। मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, कुछ नाम याद हैं क्या? हाँ और देखो सुनो, क्लाडियस टॉलमी, मैं जानता हूँ टफ है याद कर, हमें भी लिख लिख के याद करना पड़ता, हम भी ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन मेहनत करोगे तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बिना मेहनत थोड़ी ना पकौड़े तल लेंगे जाएंगे वहां पे। तो क्लाडियस टॉलमी, एक कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, क्लाडियस टॉलमी 140 एडी, ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले क्या बताया था? पृथ्वी बीच में है, सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। उनकी किताब का नाम बताएगा कोई मुझे? एलमेक्स, ALMAGEST, एलमेक्स। उसके बाद 30 आया, उसमें कौन आया उनके पास? कॉपरनिक्स आया। कॉपरनिक आधुनिक खगोलविद का जनक कहा जाता है, कहते हैं मॉडर्न, 1530 वो कहां से रहने वाले थे? उनकी भी एक किताब थी, किताब का नाम बताएगा? बस ठीक है ना, उसने क्या बताया? ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। मध्य एक दो हो गए भाई, लिखोगे एग्जाम में तभी तो अच्छा कर पाओगे, दो हो गए। उसके बाद फिर संविता 1805, विलियम हर्शल, विलियम हर्शल ने लेके आए क्या? लेके आए टेलीस्कोप, दूरबीन लेके आए। उन्होंने देखा क्या विचारधारा, मारो तो इसके अलावा भी हमारी एक गैलेक्सी है, और आकाशगंगा में कोने आतरे में एक अंश मात्र पड़े हुए हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम तो सौर मंडल हमारा एक कोने में। किसने बताया? विलियम हर्श, हमारे पोलैंड के तीसरे आए ब्रिटिश से, ठीक है, तो उन्होंने ही बताया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, कौन आए? केप्लर आए, इन्होंने यूरेनस की भी खोज की थी। यूरेनस की खोज आ सकती किसने की? इन्होंने की थी, दूरबीन। अब दूरबीन से है, ठीक है ना, ठीक है, समय हुआ, समय बीता, केप्लर आए। केप्लर ने क्या बताया? ग्रहों की कक्षाओं के बारे में बताया, रूल्स बताए, जो कक्षा होती है घूमते हैं, ग्रह मटकते रहते हैं, मिलने जाते दोस्तों से यारों, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा, उनके बारे में उन्होंने बताया। किसने बताया? केपलर। अब नाम तो याद करने पड़ेंगे, समझ ना समझ बात, लेकिन हमें एक सीक्वेंस बताया, तो केपलर आ गया। केपलर के बाद कहानी, फिर मैंने आकाश गंगा के बारे में बताया कि वो हम बीच की भुजा में है, वेयर वी आर लोकेटेड इन मिडल आर्म ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, मंदाकिनी। अब ऐसे ही सॉरी यानी आकाश गंगा पुंज से मिलकर बनता है ब्रह्मांड, मंदाकिनी बन, क्या बन गया? ब्रह्मांड बन गया। जब ब्रह्मांड बन गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इनको मिलके ब्रह्मांड बना, तो उसमें फिर कौन आ गए? ये विस्फोट हुआ आता है, एडविन पी हब्बल 1925 आ गए, एडविन पी हब्बल आए, उन्होंने बताया जब ये फटा था, बूम हुआ था, तो क्या हुआ था? दूर जा रहे हैं और गति बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। उनके बीच में जो स्थान है वो रिक्त स्थान, शीतल रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक स्पॉट है वो बेसिकली क्या है? ठंडे हैं, शीतलन रिक्त स्थान है, जो बीच फैल रही है उन बीच में रिक्त स्थान शीतलन है, जो हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने फिर से थ्योरी बदली और स्टीफन हॉकिंस की बात कर ली, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन से संबंधित थे, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या बताया? मटर का दाना बताया, खाने के लिए नहीं, ब्रह्मांड से तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए बताया। तो मटर का दाना है एक, अब कितने साल पहले? 15 अरब बिलियन ईयर एगो, ये क्या था? मटर का दाना था जिसमें विस्फोट हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी थी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, टाइम का संक्षिप्त इतिहास लिखी। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना ब्रह्मांड के बारे, स्टेप बाय स्टेप, ब्रीफ का संक्षिप्त
इतिहास उन्होंने चर्चा की लिखी। उसके बाद समय बीता, संक्षिप्त इतिहास लिखा, संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत उन्होंने बताना बताया खत्म। फिर हमारे आगे आया तो वो जॉर्ज लेमेंटर आए 1894, उनका प्रतिपादन किया। वैगनोर ने किया 1967 में प्रतिपादन किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो फटने की बात की, जो विस्फोट हुआ था वो फट गया था, ठीक है ना। अब उससे क्या क्या निकला वो मैंने एक संचय बताया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, 1000000वां सेकंड हम खत्म कर लेंगे। और नहीं आया प्लीज बता दो, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड्स लिखे हैं, दोनों को मैंने उसमें लिखा है, समझ में आया या नहीं आया इतना बता दो बस, क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच।